अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मेकअप वैनिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना मेकअप शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन से ब्रांड का या लोकल मेकअप यूज़ करती हूँ, क्या आपको लेना चाहिए और क्या नहीं, मेरे पास कौन सी फाउंडेशंस हैं, कंसीलर है मेरे पास, ब्लश और हाईलाइटर है, कंटोरिंग, क्या क्या मेरे पास मेकअप है। तो आज आपके साथ अपना मेकअप मैं शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप तो मेरे पास सबसे पहले ये फूड फेस की आई पैलेट है, तो मैं आपको इसके स्वैच भी करके दिखाऊंगी। इसमें बहुत सारे कलर हैं, तो ये देखें मुझे ये बहुत पसंद आई थी। इसमें हाईलाइटर भी हैं, हाईलाइटर शेड भी हैं, ये देखें ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें ये देखें एक मैं ये वाली आई पैलेट यूज़ करती हूँ, ये मैट भी है और ग्लॉसी भी इसमें कलर है। आप कोई सा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो न्यूली मेकअप यूज़ करते हैं उनके लिए बेस्ट है कि वो ब्रांड का लेने से पहले आम लोकल मेकअप लेकर सीखें, उसके बाद ही वो दूसरा मेकअप यूज़ करें। एक मेरे पास आई पैलेट ये वाली है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। एक ही मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, ये मुझे इसका रिज़ल्ट कुछ खास नहीं लगा। तो ये वैसे कुछ कुछ मुझे इसमें कलर्स पसंद हैं, ये भी ये वैसी है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसकी ये देखें स्वैच मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसमें भी वही सेम कलर्स हैं, शिमरी भी हैं और मैट भी है। ये मैट के शेड्स मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, ये मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन हाँ जिन्होंने मेकअप स्टार्ट करना है उनके लिए बेस्ट है। ये जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था ये कुछ इस तरह की इनके, ये देखें बिल्कुल फटाफट से ये हो रहे हैं। उसके साथ मेरे पास है तो तीसरी ये मेरे पास आई पैलेट है, इसमें भी मैट कलर है, शिमरी है, हाइलाइटर है और ब्लशोन है और लिपस्टिक के भी कुछ कलर है। ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये ली थी, ये भी बहुत अच्छी है, इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे पास तीन तरह की, तो ये जो मैं फेस पाउडर लूज पाउडर जिसको बोलते हैं यूज़ करती हूँ, ये ओले का मेरे पास है, ये कुछ इस तरह से है, डबल में ही शेड में है, साथ इसका ये स्पंज है, एक मैं ये यूज़ करती हूँ। लैक्मी का मैं यूज़ करती हूँ, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से, ये देखिए कुछ इस तरह के इसके स्क्रैच मैं आपको दिखा रही हूँ। और एक मेरे पास ये वाला, ये भी कुछ इसी तरह का है। और एक मेरे पास ये थोड़ा सा पुराना, लेकिन पुराना है बहुत अच्छा है, इसका भी था, ये बीबी का था, ये ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। ये भी इसकी भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्किन टोन के हिसाब से। तो मैं जो ये यूज़ करती हूँ, ये देखें ये एक तो मिस रोज़ की है और एक लैक्मी की है, ये देखें इसकी भी बहुत अच्छी थिकनेस और ये लगाने में ज़रा भी आपके फेस को वो नहीं करेगा। एक मैं ये यूज़ करती हूँ लैक्मे की, ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है लेकिन बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी देर हो गई इनको यूज़ करते हुए। ये आपकी एक बॉटल आराम से एक दो क्या तीन चार साल तक ईजिली चली जाएगी। ये देखें एक ये आपको मैं बस दिखा रही हूँ, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से मैंने ली हुई थी। ये मेरे पास लैक्मे की है, ये मिस रोज़ के, मिस रोज़ की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखें एक मेरे पास ये है मिस रोज़ की, अपने फेस टोन के हिसाब से ज़रा सा इसका एक ड्रॉप ही लगाने से आपके पूरे फेस पर अप्लाई करने से ही, देखें थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी लेकर, ये देखें अच्छे तरीके से ये अपनी स्किन टोन के हिसाब से उसमें जज़ब हो जाती है। उसके साथ मेरे पास एक कॉस्मिक ये वाली है, इसकी शेड भी कुछ इस तरह से है, ये भी मैं आपको, हाथ मेरे फुल गंदे हो चुके हैं इस टाइम, तो ये देखें ये भी बहुत अच्छी है, आप इसको यूज़ किया करें। उसके साथ मेरे पास है ये फिक्सर, मेकअप फिक्सर है रिवाज का,